प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि दर्पण की परिभाषा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका गोली दर्पण एक भाग है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस गोले की त्रिज्या जिसका गोली दर्पण एक भाग है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव या पोल क्या है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाती है। अपर्चर ऑफ द मिरर, दर्पण का द्वारक क्या है, प्रकाश परावर्तक क्षेत्र के प्रभावी भाग व्यास दर्पण का द्वारक कहता है। ये प्रस्तुत चित्र में हम वक्रता केंद्र देख रहे हैं जो सी से प्रदर्शित किया गया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रकाश की किरणें सतह से टकरा करके वापस दिशा में मुड़ रही हैं। जो ये जितना पार्ट है वक्रता केंद्र का, जो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु के इसके बीच की ये फोकस दूरी है सतह के बीच की सतह। अब मुख्य फोकस, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु एफ पर वास्तव में मिलती है। उत्तल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से जो अगला बिंदु है वह फोकस दूरी, किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव पोल पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर एफ से प्रदर्शित किया जाता है। पी एफ इजकल टू एफ, जो न्यू क्रेटेशियन साइन कन्वेंशन है, नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां, पहला सभी दूरियां गोली दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो भी दूरी हमें मापनी होगी वो पोल से मापी जाएगी। दूसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरियां होंगी वो धनात्मक मानी जाएंगी। जो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी, नीचे की तरफ मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। ये दूरियों के संबंध। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या संबंध है दोनों के। जो अभी आपने छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी हैं वो पढ़ी कि वक्रता केंद्र क्या है, पोल क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस क्या है किसे कहते हैं, ये सारे टर्म्स आपसे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं क्या, जिसमें किसी चित्र की सहायता से आप बताएं इस गोली दर्पण में वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या दिखाइए उसकी, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो चित्र है इसमें हम देख रहे हैं कि अर्थात अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो वक्रता केंद्र है और जो वक्रता केंद्र सी पोल पी के बीच जो फोकस दूरी है एफ,
ये उसकी हाफ है। उत्तल दर्पण, उत्तर दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो दर्पण की स्थिति है, ये हम इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। दर्पण सूत्र क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु के बीच की दूरी को स्मॉल लेटर अंग्रेजी के यू से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष पर वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की फोकस दूरी को एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। दर्पण में यू वी तथा एफ के मध्य संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है कि जब वास्तविक चित्र अवतल दर्पण पर जब वास्तविक बिंब बन रहा हो, तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से दूर रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे इस प्रस्तुत चित्र में माना ए बी एक वस्तु है जिसको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से दूर रखा गया। अब प्रकाश की एक किरण ए डी, जो ए डी रेज है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के बिंदु डी से परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर डी ए की दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं, ये कंडीशन देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वस्तु जो है वो दर्पण के दूर रखी हो, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब फोकस उसके पीछे दर्पण के पीछे बनेगा, सामने बनेगा, इत्यादि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। इतना ही, धन्यवाद।